हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई द किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर और फ्रूट्स की चाट की रेसिपी। तो यहाँ मैंने थोड़े से मटर लिए हैं, जिसको मैंने पूरी रात भिगोकर थोड़ा सा नमक डालकर और पानी डालकर उबाल लिया है। तो उबले हुए मटर हम डालेंगे एक बाउल में। एक उबला हुआ आलू, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, आलू भी इसी में डाल देंगे। एक बारीक कटा हुआ टमाटर, ये भी हम इसी में डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज बारीक कटी हुई, एक हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक। नमक यहाँ पर कम डालेंगे क्योंकि मटर उबालते हुए भी हमने नमक डाला था। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी डालेंगे हम हरी चटनी। थोड़ा सा डालेंगे इमली का पानी, थोड़े से कटे हुए केले, थोड़ा सा कटा हुआ सेब। और इस चाट को थोड़ा सा और खट्टा बनाने के लिए थोड़ा सा हम डालेंगे नींबू का रस। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी और इसको एक बार और मिक्स करेंगे। और अब इसको हम सर्व करेंगे। और अब चाट के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े से प्याज के लच्छे और थोड़ी सी पंजाबी तड़का नमकीन। इससे चाट का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ी सी इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। तो लीजिए, मटर और फ्रूट्स की चाट बनकर तैयार है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।